हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम्स के कुछ एमसीक्यू जो कि एलडीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कोची में दो 25 केवी सिंगल फेज 50 हर्ट्ज कर्षण सब स्टेशन के बीच एक न्यूट्रल सेक्शन प्रदान क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग फेज के आसन्न सब स्टेशन के क्षेत्रों को अलग अलग करने के लिए फीड जाता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बिजली उत्पादन और आपूर्ति अधिकारियों की पारेषण प्रणाली के होते हैं, किस फेज के होते हैं? तीसरा आंसर नंबर सी, तीन फेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 केवी कर्षण सिस्टम को कौन सी आपूर्ति की आवश्यकता होती है? आंसर, इसका सही आंसर नंबर है सिंगल फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से आपूर्ति अधिकारियों की बिजली उत्पादन और पारेषण प्रणाली तीन फेज की होती है एवं इनकमिंग सप्लाई को लगातार 25 केवी एसी ट्रैक्शन सब स्टेशन में फेज रोटेशन में लिया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, प्रत्येक फेज पर कर्षण भार को संतुलित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर दो आसन्न 25 केवी एसी कर्षण सब स्टेशन किस रूप में काम करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेल में तुरंत असंतुलित वोल्टेज का अधिकतम अनुमेय परसेंटेज क्या है? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेल में 2 मिनट के लिए असंतुलित वोल्टेज का अधिकतम अनुमेय परसेंट क्या है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेल में असंतुलित वोल्टेज को लगातार अधिकतम अनुमेय परसेंट क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफपी और एसएसपी या एसएसपी और एसएसपी या एसएसपी और एसपी के बीच वची खंड की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका नंबर आंसर नंबर डी, सब सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफपी और एसपी के बीच वची सेक्शन की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर नंबर सी, सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, वची सेक्शन की दूरी जिसके लिए एक कर्षण ट्रांसफार्मर पावर को फीड करता है से क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, फीडिंग लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वची खंड की दूरी जिसके लिए एक कर्षण ट्रांसफार्मर समान रूप पावर को फीड करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर नंबर बी, फीडिंग जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वची का सबसे छोटा खंड जिसे टीपीसी द्वारा रिमोट कंट्रोल के माध्यम से अलग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर नंबर डी, सब सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वची का सबसे छोटा खंड जिसे मैनुअल रूप से अलग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर ए, एलिमेंट्री सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधक या सर्किट ब्रेकर सीवी के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। तो अवरोधक या सर्किट ब्रेकर के माध्यम से किसे संचालित किया जा सकता है? इसका आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, टीएसएस ऑपरेटर द्वारा या रिमोट कंट्रोल, स्थानीय नियंत्रण, मैनुअल रूप से, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आइसोलेटर को किसके माध्यम से संचालित किया जा सकता है? तो इसका है आंसर नंबर सी, मैनुअल रूप से। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर एक है, इंटरप्रेटर क्या है? आंसर नंबर 17 का ए, गैर स्वचालित प्रकार के सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर एसपी में ब्रिजिंग इंटरप्टर किस स्थिति में होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है बी, खुली स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर इंसुलेटेड ओवरलैप एसपी के विपरीत लगा होता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए जब एसपी पर ब्रीजिंग इंटरप्टर को बंद करके आसन टीएसएस की आपूर्ति एफपी तक बढ़ा दी गई है? इसका आंसर है आंसर नंबर ए, इंसुलेटेड ओवरलैप के पास पहुंचने से पहले चालक को लो पेंटो के लिए कासन ऑर्डर को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इंटरप्रेटर पर सीवी का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गलती होने पर स्वचालित यात्रा सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न कंडक्टर के बिना सिंगल ट्रैक के लिए ओएचई प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका आंसर नंबर ए, 0.41 ओम पर किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न कंडक्टर के बिना डबल ट्रैक के लिए ओएचई प्रतिबाधा क्या होगी? तो रिटर्न कंडक्टर के लिए डबल ट्रैक के लिए ओएचई प्रतिबाधा, आंसर नंबर डी 0.24 पर 700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न कंडक्टर के साथ सिंगल ट्रैक के लिए ओएचई प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी 0.70 ओम पर 700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न कंडक्टर के साथ डबल ट्रैक के लिए ओएचई प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका है आंसर नंबर डी 0.43 पर 700 ओम पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूस्टर ट्रांसफार्मर प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 0.15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और माध्यमिक के बीच बूस्टर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट वायर बूस्टर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक के साथ जुड़ा हुआ है किसके साथ? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 केवी एसी कनेक्शन में दो लगातार बूस्टर ट्रांसफार्मर के बीच के बूस्टर ट्रांसफार्मर स्थान के बीच की दूरी रिटर्न कंडक्टर वाला सिस्टम है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी 2.66 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 केवी एसी टीएसएस में 25 केवी ट्रांसफार्मर सीवी को एक तरह से क्या मानक संख्या दी गई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 100, 102, 104 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप लाइन के लिए ओएचई संरचनाओं की प्लेट किस तरह होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75/13, 75/15, 75/17 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन लाइन के लिए ओएचई संरचनाओं की प्लेट किस तरह होगी? तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी 75/12, 75/14, 75/16 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70/3 नंबर के लिए प्लेट न्यूमेरिक नंबर स्टार स्टेशन से किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है, जबकि डिनोमिनेटर क्या दिखाता है? इसका आंसर नंबर ए किलोमीटर 70 में अपलाइन मास्ट का सीरियल नंबर, आंसर नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70/14 के लिए नंबर प्लेट न्यूमेरिक स्टार स्टेशन से किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है, जबकि डिनोमिनेटर क्या दिखाता है? तो आंसर नंबर इसका आंसर नंबर बी 70 किलोमीटर में डाउन लाइन मास्ट के लिए सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप और साइडिंग लाइन के लिए ओएचई संरचनाओं की नंबर प्लेट किस तरह होगी? तो लूप और साइडिंग लाइन के लिए ओएचई संरचनाओं के लिए नंबर प्लेट, इसका आंसर नंबर डी 75/1001, 75/1003 आदि। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके।